जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना काम किया है कि उत्तर प्रदेश की अभी 80 लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही हैं। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। बरेली के नवाबगंज में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी सभा में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के दम पर चलने वाली पार्टी है। मोदी के राज में करोड़ों को पक्का मकान, करोड़ों लोगों को शौचालय, करोड़ों लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, करोड़ों लोगों को बिजली का कनेक्शन, गैस कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट मोदी और योगी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मोदी जी के साथ बनाया है और हमें तो एक तरफा चुनाव लग रहा है। गांव-गांव जा रहे हैं, जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद है और मैं कार्यकर्ता का भी परिश्रम भी देख रहा हूँ गाँव में। कार्यकर्ता परिश्रम ही कर रहा, कुछ मिल भी मतलब एक तरह का गर्मी में, धूप में, कठिनाइयों में भी कार्यकर्ता बूर बूर जा रहा है, घर घर जा रहा है, संपर्क कर रहा है लाभार्थी के रूप में। वैसे भी वास्तव में ऐसे देवपुर कार्यकर्ता और जनता जनार्दन आशीर्वाद से एक तरफा मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सीट आदरणीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं। देखिए राम क्या था इसी कारण 14 के पहले और 15 के पहले क्या थी, टीका लोग नहीं लगाते थे, डर के मारे मंदिर नहीं जाते थे, अपने को हिंदू कहने में संकोच करते थे, भारत माता की जय बोलने के लिए में संकोच करते थे, वंदे मातरम नहीं लोग बोलते थे। आज लोग टीका लगाते हैं, स्वयं कांग्रेस सपा बसपा टीका भी लगाते हैं, मंदिर भी जाने को तैयार है। आज श्रीनगर के अंदर भी वंदे मातरम भारत माता की जय तिरंगा झंडा फहराया जाता है मोदी जी के नेतृत्व में, और लंदन की धरती पर भी उतरते हैं तो वंदे मातरम भारत माता की जय बोली जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।